मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं बी आर स्टूडियो। नाजरीन, माल है मुफ्त दिल बेरहम, कोई रहम ना दिखाया जाए, सबको मार दिया जाए, चाहे कोई भूख से मरे, चाहे कोई रोजगार की किल्लत से मरे, लेकिन मर जाए, जिंदा कोई ना रहे, पंजाब सिर्फ मेरा रहे। नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा ने, आपको याद होगा कि हालिया कुछ दिन पहले 2 अरब 73 करोड़ दिया था अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के टायर प्लस पोशिंग के लिए। गवर्नमेंट ने दे दिए, चाचा जी है ना वज़ीर आज़म, साइन किए, दे दिए, ओके हो गए। खुद आवाम को लगा दिए भीख मांगने पे, एक थैला आटे के लिए, एक थैले के ला आटा, वो भी 10 किलो लेने के लिए आईडी कार्ड दिखाओ, तस्वीर बनवाओ। फ़कीर बना दिया फ़कीर आज़म ने पाकिस्तान की, पंजाब की आवाम। और इस पर कम ज़र्फ़ी देखिए नाज़रीन, टायर बनवाने के बाद अपने घर को जाने वाली, जाती उम्र को जाने वाली तमाम रोड को तोड़वा दिए। ये रोड नहीं सही, मेरे लिए नई कारपेट रोड बनवा के दीजिए, ठीक है चाचा वज़ीर आज़म है, साइन हो गए, रोड ख़त्म करके नई बननी शुरू हो गई। अब गाड़ी के भी 2 अरब 73 करोड़ हजम, सड़क बनना शुरू होगी। और अब मोहतरमा के नखरे देखिए जी, शहज़ादी के, पंजाब की शहज़ादी के नखरे देखिए कि अब मैं दफ्तर कैसे जाऊँ, रोड तो सड़क तोड़ा हुआ है, नया बन रहा है, तो मैं गाड़ी तो लेकर जा नहीं सकती, तो मुझे जर्मन से हेलीकॉप्टर मंगवा के दे जो कि 3 अरब का है। इसलिए नाज़रीन मैंने कहा था माल मुफ्त दिल बेरहम। इमरान खान के दौर में आपको याद होगा जब इमरान खान हेलीकॉप्टर पे गया था, तो हेलीकॉप्टर एक जगह पर ख़राब हुआ था, तो वहाँ पे कुछ देर रुका था, बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली, इन्जॉयमेंट भी किया, तो उस पर यही औरत चीख रही थी जलसों में, और यही औरत एक बात करती थी हमेशा अपने जलसों में कि अगर आवाम भूख से मर रही हो, पेट्रोल गैस बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा हो, तो समझ जाए वज़ीर आज़म चोर है। तो अब कौन चोर है, मोहतरमा से ये पूछने का सवाल बनता है कि अब चोर कौन है। चोर तो फिर यही है जो 2 अरब 73 करोड़ पहले हजम, उसके बाद सड़क नहीं बनवा के दें, जिसका तखमीना लगाया गया है तकरीबन 1 अरब के लगभग है, क्योंकि इनके ज़ाती उम्रा से लेकर सीएम हाउस तक जाना है, और वहाँ पर भी इन्हें अपना अलग से एक ऑफिस चाहिए, ये बुज़दार साहब के ऑफिस में नहीं बैठ सकती, उसे भी तड़वाया जाए और नए तरीके से, इनके तरीके से डिज़ाइन करके दोबारा बनाया जाए, उस पर भी जाहिर बात है 2-3 अरब फिर गया, और साथ में हेलीकॉप्टर चाहिए अब तो मोहतरमा को, और इनकी कनीज़ें ये कहती थकते नहीं है कि ये ग्राउंड टू अर्थ किस्म की खातून है। तो ये ग्राउंड टू अर्थ, जब मैंने गूगल पर चेक किया तो गूगल ने कहा कि ज़मीन से ज़मीन तक, हत्ता के लोग ये कहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये कहते हैं कि डाउन टू अर्थ, कि ये ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, या ग्राउंड टू अर्थ के साथ इनके बातें होती है। तो इसी वजह से इमरान खान ये कहता था कि ये लोग ना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ना पढ़ने लिखने की कोशिश करते हैं, ये लोग जाहल हैं। अब बात करते हैं इमरान खान की तोशाखाना से घड़ी लेकर बेचने की, जिसमें खाना काबा का डायल बना हुआ था, तो इमरान खान पे ये चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तमाम पटवारी भौंक रहे थे इमरान खान पर। तो अब बात आती है जब, तो इमरान खान ने घड़ी बेची कानूनी तौर पर, तोशाखाना में पेमेंट जमा करवा के घड़ी ली, और वो उसे सेल किया। सेल करने के बाद क्या किया, नंबर एक,
पीएम हाउस से अपने घर को जाती हुई जो सड़क थी, जो इसके घर को इमरान खान के घर की सड़क थी वो टूटी हुई थी, उसे उसने रिपेयर करवाया, नहीं बनवाई। एक नंबर दो, आवाम के लिए तोशा खाना पैकेज निकाल दी, आवाम के लिए लंगर खाना पैकेज निकाल दी, ये दो काम उसने उस घड़ी को बेचने के बाद कर दिए। तो यह इमरान खान ने गलत की, इमरान खान को तोशा खाना से घड़ी नहीं चुरानी चाहिए थी, नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो चोर है। लेकिन मरीम साहिबा माशाल्लाह से इतनी ईमानदार है कि वो अपनी जेब से खर्चे कर रही है, अपने घर की सड़क अपनी जेब से बनवा रही है। तो ये इमरान खान भी अपनी जेब से बनवा सकता था, इमरान खान को क्या जरूरत थी। तो अब इस पे शुरू कर देंगे, अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ ज़्यादा कमेंट्स आए, शुरू हो जाए। तो हकीकत क्या सबको नजर आती, और अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, रात की पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई तकरीबन 9 रुपए समथिंग पैसे, और उसके साथ बिजली की कीमत, गैस की कीमत तीनों बढ़ गई। अब बताएं वज़ीर आज़म चोर है कि नहीं है, मरीम साहिबा अब वज़ीर आज़म चोर है कि नहीं है, इसका जवाब दीजिएगा। अब करते हैं अगली बात, जो कि लास्ट बात है, 300 यूनिट तक बिजली फ्री हमजा शहबाज, 300 यूनिट तक बिजली फ्री बिलावल भुट्टो, 300 तक बिजली फ्री आसम जरदारी, और 200 बिजली यूनिट फ्री मरीम नवाज साहिबा। तो बिजली की कीमत में इजाफा क्यों, यह है सवाल। गरीब आवाम, मकरूज पाकिस्तान, IMF का दबाव, लेकिन मुझे तो चाहिए हेलीकॉप्टर जर्मन का, मेरी तो गाड़ी नहीं चल सकती क्योंकि रोड सारा रिपेयर हो रहा है, नया बन रहा है। तो ये गाड़ी के टायर बनवाने से पहले सोचते ही बीबी, और 200 बिजली यूनिट फ्री मरीम नवाज साहिबा। तो बिजली की कीमत में इजाफा क्यों, यह है सवाल। गरीब आवाम, मकरूज पाकिस्तान, IMF का दबाव, लेकिन मुझे तो चाहिए हेलीकॉप्टर जर्मन का, मेरी तो गाड़ी नहीं चल सकती क्योंकि रोड सारा रिपेयर हो रहा है, नया बन रहा है। तो ये गाड़ी के टायर बनवाने से पहले सोचते ही बीबी, आपको सोचना चाहिए था गाड़ी के टायर डलवाने से पहले कि पहले रोड बनवाती फिर गाड़ी के टायर करवाती, ताकि ये हेलीकॉप्टर वाला 3 अरब का जो टीका पाकिस्तानी आवाम को लगाया जा रहा है ये ना लगता। लेकिन नहीं, हमें तो अय्याशियाँ करनी है, हमने तो अय्याशी करनी है, मरता है तो गरीब आवाम मरती। तो इस पे एक बंदे ने बहुत प्यारी बात की थी कि पाकिस्तान में 3 पाकिस्तान है। नंबर एक वो पाकिस्तान जो पाकिस्तान का अच्छा खासा बजट खाने के बाद भी ना किसी वज़ीर आज़म पे की, ना किसी अदलिया की, ना ह्यूमन राइट्स की किसी अदारे की, और ना IMF की, किसी के पेट में मरोड़ नहीं उठता। और उसके बाद आ गया दूसरा तबका जो कि हमारी फौज है, हमारी फौज दुश्मन से लड़ती है, डिफेंस करती है, वो भी खा जाती है। फिगर भी है, फिगर भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं फिगर नहीं पे बात नहीं कर, मैं फैक्ट जस्ट आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में 3 पाकिस्तान कितना खाए। लेकिन उन पे भी कभी कभार तनकीद हो जाती है, लेकिन किसी के पेट में रोड नहीं उठता। अब आ गया तीसरा पाकिस्तान, इसमें आप और मैं, हम जैसे हज़ारों करोड़ों यानी 25 करोड़ लोग, हम जैसे, हम पे अगर कुछ पैसा लगता है तो हर अदारा, हर हुकूमत, हर मुल्क, IMF सबके पेट में मरोड़ उठते हैं, और वो कहते हैं कि इन्हें दबा दिया जाए, इनसे टैक्सेस वसूल किए जाए। तो वो टैक्सेस सारे वसूल हमसे जब हो जाते हैं तो मरीम साहिबा जैसी नालायक खातून जो कि CM बन चुकी है पंजाब की, वो अपना हेलीकॉप्टर जर्मन से मंगवाती हैं 3 अरब में। बात है सीधी, माल मुफ्त दिल बेरहम। तो दुआ कीजिएगा इस मुल्क पाकिस्तान पर अल्लाह अपना खसूसी रहम फरमाए, और इन जैसे घटिया लोगों को नेस्त नबूद करे,
और हमारी जान छुड़वाई। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।